अच्छा, ये ऊपर बड़ा खूबसूरत सा आपने स्पेशल रखा हुआ मुर्गा, ये असील मुर्गा जी भाई? ये सील मुर्गा मियांवाली, मियांवाली का जी, मियांवाली। 14-15 बातें सीख जाती हैं ये। अच्छा, उनको घर में यानी ज्यादा बोल लेते हैं, हरी मिर्चें डालें, फल जो सा मर्जी डाल दें, टीवी के पास खाने में भी, और बच्चों को भी तंग नहीं करेगा, काटेगा भी नहीं। जो लोग पालते हैं या खाते हैं इसको? खाते हैं, खाते हैं। अच्छा, ये कितने का है ये? ये 6,500 का जोड़ा। ये 6,500 का जोड़ा। कौन सी नस्ल है, प्योर देसी है या क्या फार्मी है? में जो यहाँ पे मुलाजमीन है ये बड़े एक्सपर्ट हैं जानवरों को किस तरह रखना है, किस क्या केयर करनी है, तो ये इसको ब्रश कर रहे हैं, और बड़ी क्यूट सी है इसकी आँखें भी, इसका फेस भी। चिकन मुर्गी के लेग पीस होते हैं, इसके लिए जब छोटा था तब बिस्किट और दूध देता था मैं इसको, फिर बड़ा हो गया फिर चिकन खाना शुरू हो गया। अभी तक चले हमारे रेफरेंस से कोई है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट क्यों नहीं मिलेगा? 10% 20% हो जाएगा, 10-15। Viewers, welcome to Food Charkhara, and I'm your host Akhtar Ali. Today we are going to visit a very interesting and famous place of Lahore. It is called Tulinter Market. Here, as you can see, there are a lot of pets are available here, and there are a lot of variety of birds, animals. The people who are interested in pets can enjoy this. I hope they can enjoy this video, and I hope you will like this video. So let us start to visit this place, this market. जी नाजरीन, आज भी हम आपके लिए बहुत अच्छी स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। आज हम एक बहुत ही मशहूर जगह का विजिट कर रहे हैं, और ये लाहौर की बहुत ही मशहूर मार्केट है, इसको टुलिंटर मार्केट कहते हैं। बहुत सारे ऐसे जानवर जो बहुत अमूमन मुश्किल से अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, और सेल एंड परचेज़ हो रही है उनकी। हम आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं, और यहाँ के जो जो यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। हम मार्केट में एंटर हो गए हैं, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर रखे हैं, और ये हमारे साथ ही ये खरगोश हैं, रैबिट्स हैं, और ये मुख्तलिफ किस्मों के, ये वाइट थोड़े बड़े साइज़ के हैं, नीचे जो रैबिट्स हैं ये छोटे हैं, और इसके नीचे ये पूरा रैक ही रैबिट्स का, ये वाइट रैबिट के छोटे बच्चे हैं। तो बहुत सारे लोग घरों में पालते हैं, कुछ लोग एक हम यहाँ पे एक शॉप में खड़े हैं, और ये शायद गालिबन इसे सेल करने हैं या परचेज़ करने हैं, आप इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इब्राहिम। जी इब्राहिम साहब, ये जो बिल्ली आपने कंधे पर रखी है आपकी पालतू लग रही है मुझे। जी जी। तो ये आप यहाँ सेल करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं। तो इसको यहाँ लाने का मकसद? मेल इसके साथ। अच्छा, आप इसका पेयर यानी मुकम्मल करने के लिए कोई चाह रहे हैं कि कोई इसका साथ का मिल जाए? तो क्या किस तरह केयर करते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या रखते हैं इसे? इसको घर में तो चिकन मुर्गी के लेग पीस होते हैं, इसके लिए जब छोटा था तब बिस्किट और दूध देता था मैं इसको, फिर बड़ा हो गया फिर चिकन खाना शुरू हो गया, अभी तक चिकन तो यही है। में जो यहाँ पे मुलाजमीन है ये बड़े एक्सपर्ट हैं जानवरों को किस तरह रखना है, किस क्या केयर करनी है, तो ये इसको ब्रश कर रहे हैं, और बड़ी क्यूट सी है इसकी आँखें भी, इसका फेस भी, और ये इसको ब्रश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप यहाँ शॉप पे काम करते हैं? हाँ जी, काम करते हैं। ये कौन सी नस्ल की बिल्ली है? ये पर्शियन है, स्ट्रीम पंच मेल है। अच्छा, ये मेल है? मेल है। तो कितने हैं आपके पास? काफ़ी सारे हैं ये? हाँ जी, हमारे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, ये सारी शॉप ही हमारी है बिल्लियों की। ये देखें नाजरी, ये बड़ी खूबसूरत है, ये भी पर्शियन ही है, ब्राउन वाला? ब्राउन वाला भी पर्शियन। अच्छा, सोने आई है। तो ये क्या प्राइस वगैरह क्या है इसकी? प्राइस इसकी 25,000 इधर से पीस की। ये आते ही काम में, ये लॉन्ग कॉर्ड है। अच्छा। ये लॉन्ग कॉर्ड में आते ही काम में, जहाँ से वो डबल कॉर्ड होता है, ट्रिपल कॉर्ड होता है, वो सबके पास होता है, इनके बालों के क्वालिटी होती है। ये लंबे बाल हैं? ये लंबे बाल हैं, ये लॉन्ग कॉर्ड है। ये आप पूरी मार्केट में ऐसा कोई नहीं दिखाया था शेर वगैरह, जहाँ से लोग ज़्यादा ना बिल्लियाँ ज़्यादा ले गए फार्म हाउस में, बिल्ले उनने 7-10 बिल्ले छोड़े होते हैं, 50 बिल्ली छोड़ी होती है, वो बच्चे खा रहे होते हैं, उनके बच्चे जहाँ से होते हैं ना, वो बच्चा एक लोग उधर से फार्म हाउस से 10-10,000 रुपये का भेज देते हैं, इधर भी आते हैं लोग फार्म हाउस से, कोई होता है दिल भर जाता है, लोग ले आते हैं बेचने। जी नाजरीन, ये भी लॉन्ग, वो क्या कॉर्ड है? लॉन्ग कॉर्ड है, स्ट्रीम पंच। अच्छा,
ये भी 25 ही है, 25। अच्छा, तो वैसे वाइट की ज़्यादा डिमांड लोग पसंद करते हैं या ब्राउन कलर में? ज़्यादा लोग वाइट ज़्यादा लोग ढूंढते हैं। डबल आईज में ये देखिए हमारे पास मेल पड़ा हुआ इसके साथ, अच्छा क्रॉस होने आई है फीमेल। अच्छा, डबल आईज देखें ना, इसके दोनों आँखों में डिफरेंट कलर्स हैं, एक ब्राउन है और एक ब्लू है इसकी आँख। ये भी बड़ा, ये इसी के बच्चे पड़े हुए हैं, ये देखें नादर, ये छोटे छोटे बच्चे हैं अपना, एक ब्राउन कैट है, एक हिमालयन है, एक वाइट पर्शियन। अच्छा, ये हिमालयन है, ये पर्शियन कैट है, बहुत क्यूट से, बड़े प्यारे से, इसलिए लोग जो है बड़े शौक से इसको, बड़े इनके खुराक भी खास ज़्यादा लोग बच्चा ढूंढते हैं, बच्चा आता ही काम में। अच्छा अच्छा, इसको आपने कैट फूड चिकन बाइल डालना है, सुबह शाम दो टाइम डालते हैं। अच्छा। चिकन बाइल डालते हैं, कैट फूड थोड़ा थोड़ा खाना डालते हैं, जिसके साथ खेलती भी रहे और हैप्पी भी रहे। तीन टाइम डालो तो सो जाती है, दो टाइम ये खाना इसके लिए बिल्कुल ओके, हेल्दी सेहतमंद रहता है जानवर। अच्छा, तीन टाइम डालो तो सोया रहेगा, आपके साथ खेलेगा नहीं बच्चा। इसकी क्या प्राइस है? इस बच्चे की प्राइस 15,000। इन्होंने बर्ड्स भी बहुत अच्छी वैरायटी रखी हुई है, ये फाख्ताएँ हैं और ये जो साहब हैं ये इसको डील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अली हैदर। अच्छा अली भाई, ये जो बर्ड्स हैं थोड़ा ब्रीफ कर दें, बता दें इनके बारे में, कौन कौन सी नस्लें हैं, क्या नाम है, और थोड़े प्राइस के वाले से भी ब्रीफ कर दें। ये कॉकटेल, ये जो जी जी, और पीछे लाबर्ट, ठीक है, ये कॉकटेल जोन से ही आपको मिल जाएगा 3500 रुपये का पेयर। 3500 का पेयर, मेल फीमेल, ठीक है। ऊपर जोन से वो है वो 3000 रुपये का पेयर है, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं खुमरे। अच्छा, ये लोगों को कुग्गी भी बोला जाता है, खुमरे भी बोला जाता है, जो जंगली आइटम भी बोला जाता है। यहाँ आपको मिल जाएगा 1000 रुपये का पेयर, ठीक है। लोग घरों में पालने के लिए लेके जाते हैं, लोग हमें पालने के लिए लेके जाते हैं घर। कबूतर रख लें या ऐसे कबूतर की तरह ही होते हैं, जैसे राम कबूतर आपने रखे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी वही चीज़ पड़ी हुई है, ये नीचे एग्जीबिशन पड़े हुए हैं बड़े साइज़ के ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। इसमें जौन सा बड़े साइज़ के वो 3000 रुपये का जोड़ा है, और जौन सा रेड आइज है वो 1000 रुपये का जोड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन जिसे बोलते हैं सादा ऑस्ट्रेलियन, ये आपको मिलेगा 800 रुपये का पेयर, बड़ा ब्रीडर पेयर। अच्छा, ये भी ऑस्ट्रेलियन, ये भी ऑस्ट्रेलियन, फर्क नहीं है, ये साइज़ बड़ा, बड़ा साइज़, ये एग्जीबिशन साइज जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये जौन सा बड़ा ऑस्ट्रेलियन, ये 800 रुपये का पेयर है। इसी में जो उनसे आ जाते हैं पट्टे, वो मिलेगा 700 रुपये का पेयर। ऊपर ये देखें, ये भी लाबर्ड पड़ा हुआ, ये लाबर्ड में येलो कलर होता है, पट्टे का मतलब बच्चे हैं ये भी। मतलब बच्चे हैं ये। ये कितनी एज होगी इनकी? तकरीबन अभी इनको ब्रीड करने में 2 महीने लग जाएंगे। अच्छा, और उसके बाद ये देखें, ये पड़े हुए लाबर्ड, ये भी लाबर्ड है येलो कलर में, येलो कलर में। इसी किस तरह के कलर होते हैं, काफ़ी कलर होते हैं। ये क्या, इसके क्या प्राइस है? 4000 रुपये का। अच्छा, वो ग्रीन वाला आपने 3000 का लगाया था जी, जो कलर का प्राइस है ना, कलर ज़्यादा है, जिस वाइट कलर में जो उनसे इसमें 16000 का भी, ठीक है। उसके बाद ये वाइट पड़ा हुआ, वो देखें, वो वाइट का भी जोड़ा पड़ा हुआ है, वो पट्टे हैं, वो आपको मिलेगा 2 सेकंड का। बस ले गया। ये सारी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैट्स हैं और बड़ी जी नाज़रीन, यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत बिल्लियाँ हैं। नेक्स्ट शॉप में भी ये देखें, ये बड़ी खूबसूरत सी लग रही है, ग्रे कलर की, ये बड़ी कुछ उदास उदास, कुछ नाराज उदास। ये वाइट बिल्ली है और ये भी कोई, ये देखें, ये भी कोई डिफरेंट नस्ल है। यहाँ पे इस शॉप में तमाम की तमाम जो हैं कैट्स ही हैं, और ये जो लोग शौकीन हैं वो यहाँ से आते हैं, तो यहाँ पे हम हर तरह का जो है ना पेट एनिमल जो है वो मिल जाता है इजीली। जी नाज़रीन, ये यहाँ एक और शॉप में हम एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे भी बड़े क्यूट से प्यारे से 3 बच्चे जो है ना मिलजुल के बैठे हुए हैं, और इसी शॉप में जो है ना बहुत सारी बड़ी बिल्लियाँ भी हैं, नीचे कैट्स हैं, और ज़्यादातर ये पर्शियन कैट्स हैं फर वाली, और हमारे देखने में यह है कि बहुत ज़्यादा इनकी कैट की वैरायटी इस मार्केट में अवेलेबल है, और इनके पास भी बहुत अच्छे जानवर हैं। और दूसरी साइड पे इन्होंने डॉग्स रखे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कैट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग डॉग के शौकीन होती हैं, वो डॉग्स पालना चाहते हैं। जो
तो हाँ जी, ये लैब्राडोर है ठीक है, इसकी एज तो है तकरीबन 1.5 साल का होएगा। हाँ जी, तो ये मेल है फीमेल है? ये मेल है, ये मेल है और ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये। अच्छा, ये कहाँ की है, कहाँ की है, ये किस कंट्री की है? ये अमेरिकन डॉग, ये है अमेरिकन ही है, लैब्राडोर अमेरिकन है भी अमेरिका का ही है। तो इसके प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 45 मांग रहा हूँ। 45 मांग रहे हैं, ठीक ठीक। अच्छा, इसके साथ कोई लंबड़ी की तरह का कोई बैठा है? रशियन भरा हुआ है। अच्छा, और ये सारे रशियन ही अभी भरे हैं। अच्छा, तो एक बड़ा मशहूर नस्ल होती है जो जर्मन शेफर्ड होता है, वो नहीं रखे? शेफर्ड भी भरा हुआ है बच्चा, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये दो पपी भरे हैं गोल्डन रिट्रीवर के। अच्छा, ये वाला पपी जो है ये जर्मन शेफर्ड का है, वो वाला, ये देखिए। हाँ, ये डार्क ब्राउन है। दो बच्चे गोल्डन रिट्रीवर है। अच्छा, एक बच्चा जर्मन शेफर्ड। अच्छा, तो बच्चे भी आप सेल करते हैं? ये बच्चे भी सेल? हाँ जी, पपी भी सेल। इनकी क्या प्राइस है? ये तो जो गोल्डन रिट्रीवर है इसका 30,000 मांग रहा हूँ, इसका 35,000 रुपया मांग रहा हूँ। ये फिक्स प्राइस होता है या थोड़ा बार्गेनिंग हो जाए? फिक्स प्राइस है ये, थोड़ा बहुत होएगा। चले, हमारे रेफरेंस से कोई आए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, 10% 20% हो जाएगा, 10-15% जी। नाजर, एक अच्छी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर जो फूड चटखारा के रेफरेंस से आएंगे हम उनको 10% जो है ना वो दे देंगे। आप अपनी शॉप का नाम बता दें। प्रीटी पेट्स टुलेंटर मार्केट लाहौर। प्रीटी पेट्स टुलेंटर मार्केट लाहौर में आप आएँ, हमारे रेफरेंस दें, इंशाल्लाह ये आपको डिस्काउंट देंगे। और क्रैट की भी इनके पास बहुत वैरायटी है, और डॉग्स में भी जो फेमस जो ब्रीड्स हैं या रेसिस हैं वो इनके पास अवेलेबल हैं। ये डॉग्स के जो है ना बच्चे हैं, ये भी रशियन है? नहीं, इसका नाम क्या है? इसके नाम शमोइड। हाँ, इसमें पपी है या रशियन का? जी, ये भी खूबसूरत है, साफ़ सुथरा बच्चा है। तो अमूमन जो लोग पालते हैं तो वो बच्चे को ही लेते हैं, पपी को, ताकि उसको ट्रेन कर सकें और वो मानूस हो जाए। चकोर, तीतर और इस तरह के इधर नायाब बर्ड जो हैं हमें नज़र आ रहे हैं, इनकी अपनी खूबसूरती है, बहुत एक्टिव हैं, बहुत प्यारे हैं। एक साइड पर यह बड़ा खूबसूरत सा ग्रे पैरेट भी हमें नज़र आ रहा है, इसकी खूबसूरती है, अल्लाह ताला की शान है, इसने कैसे कैसे जानवर परिंदे तख्लीक किए हैं, और इन जानवरों को देख के हमें अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो याद आती है। हाँ, ये अमेरिकन नस्ल का जो है ना ये कबूतर हैं, बड़े साइज़ के हैं, खूबसूरत हैं, और एक वाइट कलर में है ये जो आप देख रहे हैं। और इसके साथ इससे पहले हमने आपको ये जो साथ है ये ग्रे नस्ल में है, दोनों तकरीबन साइज़ और शेप एक जैसे। इसके परिंदे रखे हैं नीचे, बहुत बड़े बड़े जो है ना बत्तखें हैं। ये क्या कहलाती हैं नीचे वाली जो बड़ी हैं? ये बड़ी बत्तख है। ये बड़ी बत्तख है, बहुत बड़े साइज़ हैं। ये कितना वेट होता है इनका? तकरीबन तकरीबन 3-4 किलो। तो ये लोग पालने के लिए लेते हैं या खाने के लिए? नहीं, खा भी लेते हैं, पालते भी हैं, अंडे भी खाते हैं। अच्छा, तो ये इसकी क्या प्राइस है ये बड़ी वाली जो है? ये 3500 का जोड़ा है। अच्छा, तो इसके बच्चे भी हैं आपके पास? नहीं, बच्चे नहीं। इसके बच्चे नहीं हैं? बच्चे मिल जाते हैं गांव। हाँ, ये ऊपर जो है ये बटेर रखे हैं, ये बटेर के क्या कीमत है? ये 100 रुपये का एक बटेर जो है, ये 100 रुपये का। यहाँ पे ये देसी है या फार्मी है? ये फार्मी। ये फार्मी बटेर हैं, ये ब्रीडर होता है अंडे वाला। अच्छा, इसके ऊपर जो है बड़े खूबसूरत से क्यूट से जो है ना बत्तखों के बच्चे हैं, डकलिंग्स, ये डक्स हैं, बहुत ब्राउन डबल शेड में हैं, गोल्डन। मेरे बड़े होकर इनका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा? हाँ जी, कलर चेंज होते रहते हैं। ये क्या किस प्राइस पे दे रहे हैं हमारे नाज़रीन को बता दें? ये 150 का पीस होता है, 100 रुपये का भी हो जाता है, 150 का भी हो जाता है। ये पता लग जाता है कि मेल है या फीमेल? नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं पता कि आपकी किस्मत है वो मेल है या फीमेल। तो ये देसी बत्तखें हैं? हाँ जी, देसी। ये ऊपर वाली क्या चीज़ है? ये गिनी फॉल, चकोर कहते हैं इसे। अच्छा, कई लोग तितरी भी कहते हैं। तितरी भी कहते हैं, लोकल जबान में इसको तितरी बोलते हैं, ये चकोर भी कहते हैं, और क्या एक और नाम? गिनी फॉल। गिनी? गिनी फॉल, गिनी कॉल इंग्लिश में इसको, गिनी कॉल और तितरी भी कहते हैं, और इसे चकोर भी पास लोग कहते हैं। ये भी बहुत अंडे वगैरह देती हैं? हाँ जी, ये साल में 3 महीने अंडे देती है। अच्छा, तो ये क्या इसकी प्राइस है? ये 1800-1700 का जोड़ा मिल जाता है। ये घरों में लोग पाल लेते हैं इसको? हाँ जी, अंडे भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं और पालते भी। जी, बहुत शुक्रिया। छोटे छोटे क्यूट से जो है ना चूजे रखे हुए हैं, तो ये किस तरह सेल कर रहे हैं?
70 रुपए का एक पीस है। ये कितने इसकी एज कितने दिनों का है? ये 12 दिन का 12 दिन का है। तो ये सारे पता लगता है कि ये मुर्गी या मुर्गा है? जी मुर्गा मुर्गी का पता चलता है, पता चल जाता है। हाइट तो भी पता चलता है और ये कलगी तो भी पता चलता है। अच्छा, ये कौन सी नस्ल है, प्योर देसी है या क्या फार्मी है? मिस्री नस्ल में है। चलो ठीक है। और ये खरगोश किस तरह सेल कर रहे हैं? छोटे बच्चे लग रहे हैं ये अभी जवान है। अच्छा, ये इसका भी साइज बढ़ेगा? और हाँ जी बड़ा हो जाता है। ये कितने वेट होता है एक पीस का? जो ये एक पीस का वेट होता है 1.5 किलो, बड़ा होता है उसका 1.5 किलो, 1800 ग्राम उसको होते हैं। ये बच्चे वगैरह भी देते हैं? हाँ जी, वे बच्चे भी नहीं करते। ये वैसे तो सुना कि जमीन के अंदर रहते थे, वैसे घरों में रह लेते हैं आम पक्की जगह? नहीं, वो पिंजरे में रह लेते हैं, घर में रह जाते फिर भी सुराख करते हैं वैसे। हाँ जी, वैसे नहीं रहते। अच्छा, वो नीचे बना के रहते हैं। ठीक है। और ये बटेर किस तरह दे रहे हैं? बटेर ये 85 रुपये का पीस है। 85 का पीस है। तो अब तो मौसम ये अच्छा, ये ऊपर बड़ा खूबसूरत है, आपने एक स्पेशल रखा हुआ मुर्गा, ये असील मुर्गा? जी भाई, ये असील मुर्गा है, मियाँ वाली का। जी मियाँ वाली का। मियाँ वाली की खास बात है, वहाँ अच्छी नस्ल भाई, ये खसी एक नस्ल होती है। अच्छा, जरा आम देसी में नहीं होती, एक मंडी माल होती है, मंडी का माल। ये कितने का? जी जनाब मिल जाएगा 4500 रुपये का पीस। 4500 रुपये, 4500 रुपये। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये टर्की है, ये जो लोग पालते हैं या खाते हैं इसको? खाते हैं। अच्छा, ये कितने का है? ये 6500 का जोड़ा। ये 6500 का जोड़ा है, यानी तकरीबन 3000 से कुछ ऊपर का एक पीस है। ये पूरा यानी कि मेल फीमेल दोनों है? तो ये कितने अंडे वगैरह बच्चे वगैरह क्या है इसका हिसाब? अंडे वगैरह देते हैं ये? अंडे देते हैं, अंडे आगे मशीन में। अच्छा, उनसे आगे बच्चे निकलते हैं। अच्छा, लोगों ने रखे हुए इस तरह काम करते हैं। सही। आपका नाम? रियासत साहब, ये घर से लेके आए हैं या ये शॉप? ये पालते हैं हम, ट्रेन करते हैं बच्चे छोटे। अच्छा, ठीक है। और ये मेल है, ये फीमेल है? ट्रेनिंग क्या देते हैं आप? ट्रेनिंग हाथ पे बिठाते हैं, हाथ पे खिलाते पिलाते हैं, ताकि घर में बच्चों को काटे ना। अच्छा, ठीक है। और बच्चे घर में बातें सिखा लें, हाथों पे बिठा ये बोलता है कुछ? अभी बच्चे हैं, सीटियाँ वगैरह शुरू हुए हैं अपने आप। नहीं, एक होता है ना बोलने वाला, बोलने वाले ही ये बच्चे हैं अभी। अच्छा, इनको सिखाना पड़ेगा। कैसे सिखाने का तरीका क्या होता है इसको? तरीका ये है कि टू कार्ड लें, 2GP का, ठीक है ना, उसमें जो जो आपने बातें सिखानी है इसमें रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, ठीक है। घंटा सुबह के टाइम, घंटा रात के टाइम, वो चीज़ें सुनाएं। हाँ, वो उसको डेली MP3 में लगा के ना, घंटा सुबह के टाइम, घंटा रात के टाइम। अच्छा, डेली इनके आगे लगा दिया करें, 3-4 महीनों में बोलना शुरू हो जाते हैं। और घर में जैसे मर्जी बच्चे भी आपके। अच्छा, बोलने वाली नस्ल खास होती है या? ये एक राह होता है, एक काठा होता है। राह होता है बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, इसलिए लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बातें, वो 3-4 ही करता है, सीढ़ियाँ मियाँ मिठू बिल्ली की बात। अच्छा, ये 14-15 बातें सीख जाती हैं। ये काठा है? हाँ जी, काठा 14-15 बातें सीख जाती हैं ये। अच्छा, उनको घर में यानी ये ज़्यादा बोल लेते हैं। हरी मिर्चें डालें, फल जमल सब मर्जी डाल दें, टीवी के पास खाने में भी, और बच्चों को भी तंग नहीं करेगा काटे का भी नहीं, कुछ भी देख लें आपके सामने। तो ये क्या प्राइस क्या है इसकी? ये 4500 का मेल, फीमेल 4000 के, 8.5 का जोड़ा, 8.5 का आप जोड़ा दे रहे हैं। तो ये जो आपने कोकटे रखा हुआ, ये भी गेम है, बच्चा है। अच्छा, ये भी बातें सीख जाता है, ये बोलता है? हाँ जी, मैंने तो ग्रीन का तो सुना था, लेकिन ये भी सीख जाता है। ठीक ठीक। हाँ जी, और इसको भी जो मर्जी आप सिखा सकते हैं घर में। अच्छा, दाना वाना खिलाएँ आपके बच्चे, आपके भी खाएँ। बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि नाज़रीन, आज हमने आपको टुलिंटर मार्केट लाहौर की सैर कराई है, खूबसूरत खूबसूरत जानवर परिंदे आपको दिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आइंदा फिर एक अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।